हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलो आज हम लोग पेट्रोल पंप में जो होती है ग्राहकों के साथ झगड़ा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। झगड़ा बोले तो जैसे कोई ग्राहक 500 का पेट्रोल मांग रहे हैं, हम लोग 500 का ग्राहक को सेट करके मशीन से उस गाड़ी में डाल दिए, और ग्राहक गाड़ी अपना चालू करके देख रहा है, एक दो कड़ी बता रहे हैं, फुल नहीं बता रहे, तो बोलेगा कि यार मेरे में 500 का पेट्रोल डाले कि नहीं डाले, मेरे गाड़ी का मीटर नहीं बता रहे, कांटा ये नहीं बता रहे। हम लोग जबकि उसके में बिल्कुल सही सही डाले हैं, फिर भी उसको लग रहा है डाउट। ये तो हो गया शक, सही डालने पर भी शक। और कोई आता है 300 का पेट्रोल मांग रहा है, हम लोग उस 300 बोला फटाफट सेट के उसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिए, और बोलेगा कि इतना जल्दी डाल दिए, जीरो क्या था कि नहीं क्या था, सही डाला कि नहीं डाला, है ना। जबकि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ उस काम में पेट्रोल डाल रहे हैं, फिर भी वो हमको दो चार शब्द सुना देते हैं। दोस्तों आप लोग मानो ना मानो, बिना कुछ किए एकदम ईमानदारी के साथ भी डालोगे, फिर भी ग्राहक पेट्रोल पंप वाले स्टाफ को चोर के नज़रिया से ही देखते हैं। आप भले कितनों ही ईमानदारी से डालो, आपको शक कर्वे ही करेंगे, बोलेंगे कि दिन में कितना कमा लेते हो, कितना चुरा लेते हो, ऐसे ऐसे सब बोलेंगे कि आपका मूड खराब हो जाएगा, आप भी कुछ उसको एक शब्द सुनाने लग जाओगे। जबकि कुछ किए ही नहीं रहेंगे यार, एक दो शब्द सुना देंगे ऐसे ऐसे शब्द, तो गुस्सा भी करता है यार। जिससे मान चलिए कोई कार वाला आता है और उड़लवाते हैं, कुछ दूर जाएगा फिर वापस आ जाता है, बोलता है कि अब मेरे पेट्रोल डाला है कि नहीं डाला, मेरे गाड़ी का कांटा ये नहीं बता रहे। अब तो 500 में हमारे यहाँ तो 103.69 रुपया है, आपके यहाँ कितना रुपया है आप बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। और आपके साथ ऐसा कभी हुआ है झगड़ा वगड़ा तो आप भी कमेंट कीजिएगा, है ना। आप लोग अधिकतर सुने होंगे कि पेट्रोल पंप वाले को कहीं का भी हो चोरी ही समझते हैं, शक ही करते हैं, जबकि हम लोग वैसे नहीं किए रहते हैं, फिर भी इसीलिए तो यार बिना कुछ किए बदनाम, इसलिए थोड़ा मोड़ा बदनाम होने में क्या जाता है, पेट्रोल पंप वाले करवे करते हैं, अभी करते होंगे।